अच्छे होंगे। आज की हमारी वैकेंसी है गल्फ़ फ्रेंड्स, गल्फ़ जॉब कंसल्टेंसी में चलने वाला है इसका वैकेंसी। पहली वैकेंसी है हमारी, एड्रेस दिया हुआ है ऊपर में, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर दुबई का है ये। सर्व यू फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट LLC दुबई, फ्रेश और गल्फ़ रिटर्न दोनों चलेंगे इसमें। पोजीशन दिया हुआ है इसमें AC टेक्नीशियन मेंटेनेंस, 1500 से 2000 सैलरी है। HVAC टेक्नीशियन, मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, AC टेक्नीशियन कम प्लम्बर, AC टेक्नीशियन कम इलेक्ट्रीशियन, सैलरी 1500 से 2000 तक का है। ड्यूटी 8 घंटा प्लस 1 घंटा है। OT भी है इसमें, फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, खाना खुद का है, 21 से 40 साल। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने हिसाब से आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स गल्फ़ में इसका भी चलने वाला है, फ्री रिक्वायरमेंट। ये एक दिन पहले भी मैंने इसको बताया था, कल के डेट में चलने वाला है। फिर से आप देख लीजिए एक बार, फ्री रिक्वायरमेंट है। अपना ट्रेड मैच करके अपने हिसाब से कॉल बात कर सकते हैं। अगला हमारा वैकेंसी है NSH बहरेन का है, नासिर अल हजरी कंपनी, उसका है आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊँ या वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने वैकेंसी को फिर से हम लोग आ गए हैं। NSH कंपनी, इसमें देख लीजिए ईमेल आईडी दिया है, वो सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर है, स्काफ होल्डर है, इसमें जो भी आपका ट्रेड है उसमें मैच कर सकते हैं आप। फ्री फूड है इसमें, रोलेक्स ट्रैवल सर्विसेज में चलने वाला है, जमशेदपुर में। एड्रेस दिया हुआ है इसमें, नंबर पे बात कर सकते हैं आप लोग। अगला वैकेंसी हमारा है अल्पाइन जॉब्स में, सरायजुलेना है इसका ऑफिस में, ऊपर में दिया हुआ है। रिक्वायर फॉर असमा कंपनी रियाद का, सऊदी का। डंपर ड्राइवर फ्रेश बंदा चाहिए, 1500 रुपये सैलरी है, प्लस OT है, 5 बंदे चाहिए। ECR ECNR दोनों चलेगा इसमें, हिंदू मुस्लिम दोनों चलेंगे, रिटर्न फ्रेश बंदे दोनों चलेंगे, नंबर दिया हुआ है इसमें नीचे, अपने हिसाब से आप बात कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर मुसासा इन रियाद, वीज़ा रेडी है, पॉकलेन ऑपरेटर चाहिए, 1400 सैलरी है और 4 बंदे चाहिए इसमें। ड्राइविंग वीडियो मस्ट है भाई, वीडियो चाहिए इसका, 9 घंटा। ECR ECNR दोनों चलेगा इसमें, फ्रेश और रिटर्न दोनों चलेंगे बंदे इसमें। इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, सरायजुलेना सुखदेव विहार, और नीचे नंबर भी दिया हुआ है, अपने हिसाब से कॉल करके बात कर सकते हैं। ये हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडिंग मैप कंपनी, रियाद का है, सऊदी का। 20 तारीख को इसका क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन, डक्टिंग फोरमैन, पाइपिंग फोरमैन, प्लम्बिंग फोरमैन, इंसुलेशन फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन, इरेक्टर, पाइप फिटर, असिस्टेंट प्लम्बर, असिस्टेंट डक्टमैन, पाइप फिटर। सैलरी मेंशन है, अपने हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं आप, रीड करके अच्छे से, उसके बाद में अपना कॉल करके, ये भी अल्पाइन का ही है, बात कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी है जॉब हंट इंटरनेशनल, दिल्ली में चलने वाला है। ये भी भरत नगर में ऑफिस है, फ्रेंड्स कॉलोनी में, सऊदी अरबिया का है। इविजन को लिमिटेड, क्लाइंट इंटरव्यू 30 अगस्त को, इसमें लंबा टाइम है अभी। इलेक्ट्रीशियन है, 120 बंदे चाहिए इसमें, 1300 से 1500 प्लस 200 रुपये लगता है खाने का है। प्लम्बर 40 बंदे चाहिए, 1300 से 1500 प्लस 200। पाइप फिटर है, 60 बंदे चाहिए, 1300 से 1500 प्लस 200 है खाने का। डक्टमैन 40 बंदे, 1300 से 1500 प्लस 200। ये 30 अगस्त को इसका इंटरव्यू चलने वाला है, नीचे दिया हुआ है नंबर, इससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। सेम ऑफिस है, ECC ग्रुप इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग को LLC, क्लाइंट इंटरव्यू 23 अगस्त को है 2023 में। तो ये आपका दुबई का ही है काम, और मेसन का है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, स्ट्रिंग कारपेंटर है, 1200 सैलरी है, स्टील फिक्सर, अलमुनियम फिटर, अलमुनियम फैब्रिकेटर, आर्क वेल्डर, स्काफ होल्डर, कटिंग बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मिग वेल्डर, स्टील फैब्रिकेटर, SS पॉलिशर, स्प्रे पेंटर, मेटल टिग वेल्डर, चार्ज हैंड मेसन, चार्ज हैंड शटरिंग कारपेंटर, चार्ज हैंड स्टील फिक्सर, रीगर है, हेल्पर है। तो इसमें रीगर भी दिया हुआ है, एक बंदा मेरे को मैसेज किया था भाई कि रीगर का काम है, इसमें रीगर का है, आप इसमें कॉल करके बात कर सकते हैं। अपने सब देख लीजिए ट्रेड, इसमें रीगर का भी काम है, और 23 तारीख को इसका चलने वाला इंटरव्यू, इसमें काफ़ी सारे बंदे चाहिए, अपने हिसाब से कॉल करके बात कर सकते हैं। ये तिलाल का है, जॉब हंट में ही चलने वाला है, ये जेंट्स टेलर है, इसका इंटरव्यू 23 अगस्त को चलेगा जॉब हंट के ऑफिस में। 100 बंदे चाहिए इसमें,
1200+200+ OT है, ECR ECNR दोनों चलेगा इसमें। 25 से 45 साल एज, 10 घंटे की ड्यूटी है, 6 दिन एक हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। रहना सहना सब देगा कंपनी, खाना खुद का होगा, नंबर दिया हुआ नीचे, इसमें आप बात कर सकते हैं। ये भी रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया का है। NSH क्लाइंट इंटरव्यू है आपका 27/8/2023 को कोलकाता में। डक्ट इंसुलेटर है 1000 से 1400 सैलरी। डक्ट फैब्रिकेटर है 1000 से 1500। शीट मेटल फिटर है 1100 से 1300। स्काफ होल्डर है 1100 से 1500। स्प्रे पेंटर है 1200 से 1600। पाइप फायर प्रूफिंग अप्लीकेटर है 1000 से 1400। और इसमें सैंड ब्लास्टर क्रू सुपरवाइजर पेंटिंग है। तो इसमें खाना फ्री है, दोनों पासपोर्ट चलेगा, वीज़ा रेडी है, 21 से 42 साल, कहीं भी भाई, नंबर दिया हुआ है। पैसा पहले नहीं देना है, ना ही पासपोर्ट जमा करना है, ठीक है। ऑफर लेटर आने के बाद में आपको पैसा मांगेगा, 2-4 हज़ार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, सिक्योरिटी मनी। बाकी भाई फंसोगे तो मेरा वो रिक्वेस्ट जिम्मेवारी नहीं होगा भाई, अपने हिसाब से अपना सोच समझ के वीज़ा आने के बाद ही पैसा देना है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया, जूम इंटरव्यू एट आर ऑफिस में होगा। सेंड योर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन आर ईमेल, ईमेल आईडी दिया हुआ है। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, निबोश प्लस IGC। सैलरी डिटेल 1700 से 2100 है, प्लस 300 रुपये है, फूड अलाउंस है, 10 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम है। रोलेक्स में चलेगा भाई इसका, जमशेदपुर में इसका, नीचे और एड्रेस भी है, नंबर भी है, सब कुछ है। ये अल्पाइन में चलने वाला है इसका इंटरव्यू 30 अगस्त को, इसमें भी लंबा टाइम है अभी। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर पाइप फिटर डॉक्यूमेंट, सैलरी मेंशन है, इसमें भी अच्छे बंदे चाहिए, काफ़ी सारे बंदे चाहिए इसमें। ड्यूटी 8 घंटे+ OT है, ECR ECNR सब चलेगा, खाना खुद का है, बाकी सब कंपनी देगा। ये आपका है कुवैत एयरपोर्ट, अर्जेंट है रिक्वायरमेंट। स्काइप इंटरव्यू 21/8/2023 को एट ग्रीन इन विला कोलकाता में चलने वाला है इसका। कॉमी वन कॉमी टू चाहिए इसमें, 5 से 7 साल और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। और ओनली ECNR पढ़ा लिखा पासपोर्ट चलेगा, 10th+ वाला पासपोर्ट। एजुकेशन एक्सपीरियंस मस्ट है, 22 से 40 साल एज है आपका, 8 घंटे का ड्यूटी है, वीकली 1 डे ऑफ होगा, फ्री ड्यूटी मील मिलेगा, खाना ड्यूटी पे मिलेगा आपको, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी देगी। ओनली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, हिंदू बंदे इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। प्रेसिस इंटरप्राइजेज इसका नंबर दिया हुआ है, इसका इंटरव्यू चलने वाला है, प्रेसिस इंटरप्राइजेस कोलकाता में। क्लाइंट इंटरव्यू ऑन 21 अगस्त को एट कोलकाता में है। इंडिपेंडेंट सैंडविच मेकर है, सैलरी 1600 से 1800। बरिस्ता है 1800 से 2200। कैशियर है 1600 से 1800। वेटर है आपका 1800 से 2000। जूसर है, जूस मेकर, सैलरी 1600 से 1800। एम्प्लॉयमेंट पेपर मिलेगा आपको, ड्यूटी मिल मिलेगा, खाना ड्यूटी पे मिलेगा आपको, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 घंटे का ड्यूटी प्लस OT है, रहना सहना सब देगा कंपनी है, खाना भी मिलेगा ड्यूटी के टाइम पे, प्रेसिस इंटरप्राइजेस। ये अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी काम करवाना है भाई किसी भी एजेंट से, तो उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, बस आपको मैं गाइड कर रहा हूँ जो भाई को ऑफिस का पता नहीं होता है। और आप लोगों को पहले किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, ना ही पासपोर्ट जमा करना है। जो भी बंदा पासपोर्ट जमा कर देता है किसी ऑफिस में, तो वो बंदा अब बंद जाता है, उसी ऑफिस से काम कराना पड़ता है, नहीं तो जो बोनस क्या बोलते हैं उसको, एडवांस पैसा देगा तो वो देता नहीं है जल्दी। मेरे साथ भी ऐसा धोखा हो चुका है भाई, तो इसलिए कहीं भी सिक्योरिटी मनी भी अगर ऑफर लेटर के बाद मांगता है ना वो एजेंट लोग, तो उसको 2000-3000 में दो, 4000 दो, 5000 दो, इससे ज़्यादा नहीं दो, पासपोर्ट नहीं दो। वीज़ा आने के बाद बोलो भाई वीज़ा मंगाओ, उसके बाद पेमेंट कर दूंगा पूरा, अपना वीज़ा दिखाओ, पहले चेक करो वीज़ा आने के बाद, इसी नहीं देख के दे दो, वीज़ा फर्जी भी बनाता है लोग। तो पहले वीज़ा नेट पे कोई ज़्यादा जानकार आदमी है ना, उससे वेबसाइट पे अपना गूगल से चेक करो, पढ़े लिखे हो सब लोग, उसके बाद में देख लो कि हाँ वीज़ा शो कर रहा है नेट पे, तो उसके बाद में उससे आगे का प्रोसेस करो, वीज़ा आ जाता है, चेक हो कर लेते हो, अच्छा है वीज़ा, समझ लो कि सही है, ओरिजिनल वीज़ा है, तो उसको वीज़ा के दिन में जो टिकट देगा पेमेंट करो पूरा, वीज़ा लो उससे, टिकट लो अपना और अपना निकल जाओ बस। थैंक यू सो मच, फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।